नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों बात कर रहे हैं हम शुगर की सुगर एक्सपोर्ट की जैसा कि हम सभी को पता है कि सुगर को बैन कर दिया गया था और अब उसे अपलिफ्ट भी कर दिया गया नवंबर में बट स्टिल जो एक आप बोल सकते हो कि प्रोसेस जो है वो अब तक ऑलमोस्ट एकदम स्मूथ नहीं हुआ है तो क्या क्या हुआ है कैसे हुआ है और अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दो जनवरी का उसका क्या मतलब है एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप शुगर के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अब आपको क्या करना है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाकी अगर आपको ये पूरे सर्कुलर वगैरह सारी चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेबसाइट है यानी डी एफ पी डी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आ सकते हो और यहां पे भी न्यूज एंड अनाउंसमेंट में आपको मिल जाता है तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतन कुमार वर्मा इंटरनेशनल बिच कंसल्टेंट एक्सम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों ट्वेंटी मई 2022 In order to implement the above notification to maintain domestic availability and price stability of sugar, in exercise of powers confirmed by Section 3 of the Essential Commodities Act, read with Clause 4 and 5 of the Sugar Order 1963, it has been decided that with effect from 1st June buys sugar mills will take approval of Director of Sugar Department of Food and Public Distribution before making any dispatch of sugar for export. यानी ये जो सेक्शन कह रहा है फर्स्ट जून के बाद में जो भी सुगर मिल थी उनको कोई भी सुगर जो है एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्पैच करने के लिए सबसे पहले डीएफपीडी uh, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उससे पहले ही अप्रूवल लेना होगा विथ अ व्यू टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ सुगर विद इन द कंट्री तो ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि पार्ट ऑफ बैन था रेस्ट्रिक्टेड तो था ही उसके अलावा बैन कर दिया गया था क्योंकि डी uh, हो या डीजीएफटी हो इसके अलोकेशन नहीं दे रहे थे इट हैज बीन डिसाइडेड टू मॉनिटर सुगर एक्सपोर्ट एंड रेगुलेट फॉर ए मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हंड्रेड लैक मेट्रिक टन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सुगर ड्यूरिंग द करंट सुगर सीजन इक्कीस बाईस इन सुगर सेशन सतरह अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस बीस इक्कीस टू लैख मैट्रिक टन थर्टी एट लैक मेट्रिक टन अब यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हुआ है आप देख सकते हो उन्होंने 17, सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन 20, 20 एंड ट्वेंटी वन तो ये सेवनटीन एटीन में सिक्स पॉइंट टू लैख मैट्रिक टन था एटीन नाइनटी में थर्टी एट लैख हुआ 1920 में 59.60 हुआ एंड 2021 में ये 70 लैक मैट्रिक टन पे पहुंच गया दैट इज लाइक अ लाइक्यूस हाइक आप बोल सकते हो कि इससे अच्छी हाइक आपको और किस में मिलेगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो 17 से 22 के बीच के अंदर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हाइयर हो चुका आप देख सकते हो 17 18 में 6.2 मैट्रिक टन था जबकि बीस इक्कीस में यह 70 लाख मैट्रिक टन आ चुका है दोस्तों इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 19 लाख मैट्रिक टन हैव बीन साइंड इन करंट सुगर सीजन 21 21-22 आउट ऑफ विच एक्सप्रॉक्स 82 लाख मैट्रिक सुगर हैज बीन डिस्पेस्ड बाय सुगर मिल्स फॉर एक्सपोर्ट एंड अबाउट 78 लाख मैट्रिक टन ऑफ सुगर एक्सपोर्टेड तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक्सपोर्ट ऑफ सुगर इन करंट सुगर सेशन इन 22 वन इज़ द हिस्टोरिकली हाईएस्ट ये हिस्टोरिकली हाईएस्ट हैं इसीलिए गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है बहुत बार इन्हें बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उतना अगर प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्ट्स अगर ज्यादा एक्सपोर्ट हो गए तो फिर इंडिया के अंदर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो बाद में हो सकता है कि भारत को खुद को भी इसे इंपोर्ट करना पड़े इसलिए यहाँ पे इस बैंक को लगाया गया और यहाँ पे फिर इसे एक अप्रूवल प्रोसेस में डाल दिया गया जो डी एफ पी डी एंड डी जी एफ टी के थ्रू अप्रूवल मिल रहा था ऑल शुगर मिल्स विल ऑनलाइन सबमिट द डिटेल ऑफ डिस्पैच ऑफ शुगर फॉर एक्सपोर्ट इन पोर्टल ऑफ डायरेक्टर ऑन डेली एक्सेज ए कंसोलिडेट रिपोर्ट ऑन डिस्पैच ऑफ sugar फॉर एक्सपोर्ट एज ऑन थर्टी वन फाइव मतलब इकतीस मई के बाद इन विल बी ऑल्सो सबमिट वन जून दो हजार बाई ये इनको यहाँ पे इन केस ऑफ नोम सबमिशन ऑफ दिस डिटेल बाई एनी सुगर दिस एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर में नॉट बी कंसिडर्ड तो एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑथोराइजेशन ऑर्डर जिसे कुछ भी आप कहिए वो यहाँ पे अब अप्लीकेशन के तौर पे शुरू हो गया था लेकिन नवंबर तक आप यकीन मानिए नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट रूटेड जो ऑर्गेनाइजेशन मानिए या फिर जो एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो ऑलरेडी कर रही थी उनमें से कुछ ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको कोटा रिलीज किया गया था ये अभी बीच में और भी बहुत सारे ये री एलोकेशंस का है इसके पहले यानी सिक्स ऑलरेडी सर्कुलर्स आ चुके थे ट्वेंटी सिक्स दिसंबर का मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सपोर्ट कोटा फॉर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग शुगर सेशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड एडजस्टमेंट ऑफ मंथली रिलीज क्वानिटी क्वांटिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट क्वांटिटी विद डोमेस्टिक मंथली रिलीज क्वांटिटी अब ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि सुगर मिल्स को कोटा रहता है अब ये कोटा डोमेस्टिक के लिए भी होता है उनका एंड एक, एक एक्सपोर्ट पार्ट के लिए भी रहता है तो यहाँ पे इन लोगों को बैलेंस करना है एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक दोनों को अब उनका डोमेस्टिक का कितना है और एक्सपोर्ट का कितना है उसके अकॉर्डिंग वो कितना गवर्नमेंट से खुद के लिए अलोकेट करवाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक या गवर्नमेंट उस शुगर मिल को कितना कोटा रिलीज करती है उसके हिसाब से वो सुगर मिल अपना जो कोटा है उसे एक्सपोर्ट में अटैच कर सकती है ये 26 दिसंबर 2022 को आया फिर 30 दिसंबर 2022 को शुगर कंट्रोल के नाम से इन्होंने वापस एक ऑर्डर सर्कुलर निकाला जिसके अंदर वापस इन्होंने और सारी जितनी भी आंध्र प्रदेश के अंदर जो मेन शुगर मिल्स आप मान सकते हो एक्सपोर्ट स्वैपिंग एडजस्टमेंट तो इनका एडजस्ट किया गया बिहार के अंदर एडजस्ट किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर एडजस्ट किया गया और अभी जो लेटेस्ट का जो आया है जो दो जनवरी का सर्कुलर है जो नाइन्थ रीअलोकेशन है एक्सपोर्ट कोटा फॉर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग सेशन ट्वेंटी टू एंड कॉन्सिक्यूट एडजस्टमेंट ऑफ मंथली रिलीज क्वांटिटी एंड अकाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट क्वांटिटी विद डोमेस्टिक मंथली रिलीज क्वांटिटी अब यहाँ पे डी जो है डायरेक्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक सॉरी डायरेक्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है डी वो अब यहां पे आप देखिए क्लोज ई क्या कह रहा है यहां हैज डिसाइडेड टू अलाउ एक्सपो डिसाइडेड टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट कोटा क्वांटिटी फ्रॉम द क्वा quantity of monthly release quota in this regard representation along with agreement between sugar mills involved in exchange of the export quota quantity and domestic monthly release quantity have been examined in this department and accordingly additional export quantity has been allocated and domestic quota of the sugar mills will be adjusted as mentioned in annexure अब यहाँ पे नीचे और अलग से आपको पूरा एडजस्टमेंट जो दिया गया है कितना रिवाइज एक्सपोर्ट कोटा इनका है पहले कौन सा था ये पूरा यहाँ पे कि इन्होंने कितना डोमेस्टिक कोटा सरेंडर किया है फिर उसको कन्वर्ट किया गया है अब ये चीज़ शुगर मिल के ऊपर आ गई है तो अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर कौन देगा तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो शुगर मिल वाले हैं एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर सबसे पहले सुगर मिल वालों को मिलेगा क्योंकि जब उनके पास में जो कोटा है वो एक्सपोर्ट के लिए है या नहीं है सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोटा एक्सपोर्ट में आएगा या नहीं क्योंकि सुगर मिल वालों के पास में सुगर है दिक्कत सुगर की नहीं है लेकिन उनके पास में वो कोटा एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता अगर नहीं तो सबसे पहले सुगर मिल को ऑथोराइजेशन लगेगा उन्हें अपना डोमेस्टिक कोटा जो है वो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट और उसके लिए उनके पास में भी कुछ ऑर्डर्स होने चाहिए उनके पास में कुछ आप बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होने चाहिए जो वो शो करके कि मुझे इतना ऑर्डर एक्सपोर्ट के लिए मिला है और इस अलोकेशन के ऊपर इस ऑर्डर के बेस के ऊपर मुझे इतना कोटा चाहिए तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर सकता हूं तो ये पूरा जो लोग नए हैं जो शुगर में काम करना चाहते हैं जो करने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्हें अभी शुगर अलोकेशन या शुगर ऑथोराइजेशन लेटर नहीं मिल रहा है इस नाम से बड़ा बहकाया जा रहा है तो मैं आपको बताता हूं क्योंकि शुगर मिल वाले भी बहुत कह रहे हैं कि साहब आप एक काम करो आप ऑथोराइजेशन लेके आ जाओ आप अलोकेशन लेके आ जाओ हम लोग आपको शुगर हमारे पास में बहुत है हम शुगर आपको दे देंगे ये सब बाद की बातें हैं दोस्तों क्योंकि अलोकेशन सबसे पहले शुगर उस शुगर मिल को मिलेगा कि उसके पास में एक्सपोर्ट कोटा अगर है तो वो कर सकता है अगर उसके पास में एक्सपोर्ट कोटा है ही नहीं तो वो आपको शुगर वैसे भी नहीं दे पाएगा तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी अवेयर रहिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लोग विजिट करते रहिए इनका जो भी न्यूज़ अनाउंसमेंट होता है ये दो जनवरी का है अभी आगे भी कल शायद फिफ्थ जनवरी का इन्होंने कहा है तो शायद फिफ्थ ऑफ जैन कुछ तो भी इनका नया रिलीज आना चाहिए और उसमें डिसाइड होगा कि किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो बाकी इसमें दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी पहला जो भी शुगर मिल के साथ में अगर आप कहीं पे कनेक्टेड हो तो आप लोगों को शुगर मिल के साथ में ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि शुगर मिल्स को भी आपको, आपको आपका जो ऑर्डर है जो भी आपको एक एलोआइन बोलिए एल सी बोलिए वॉट एवर परफोर्मा इन्वॉइस बोलिए आपको जो भी अलोकेशंस हुआ है उस अलोकेशंस को आपको शुगर मिल वाले के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करने के बाद में आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा तो अब आप लोग शुगर मिल वालों के साथ में एक बार अटैच कीजिए खुद को और अटैच करने के बाद में इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से आप वर्क प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हो कुछ नए नोटिफिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी लेके आएगी कुछ नए नोटिफिकेशंस पे काम चल रहा है होपफुली क्योंकि जिस तरीके से अब ये कोटा रिडीम करने के लिए तैयार हुए हैं डोमेस्टिक वर्सेज एक्सपोर्ट तो होपफुली जनवरी एंड तक ये सारी चीजें स्मूथली सिंपली लाइन ऑफ लेंथ पे आ जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में जय हिंद जय भारत